हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वेलकम टू फिनाकल टेन ट्यूटोरियल दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टर्म डिपॉजिट के बहुत सारा इंपॉर्टेंट मेनू फिनाकल सेवन अगर आप यूज़ करते हो तो क्या है फिनाकल सेवन में और फिनाकल टेन में क्या चेंजेस हुआ है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो टी अकाउंट ओपनिंग दैट इज द टर्म डिपोजिट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो फिनाकल सेवन में ओ ए ए सी में और फिनाकल टेन में है एच ओ ए सी टी डी यह है मेनू मोडिफिकेशन कर सकते हो वेरिफिकेशन से पहले फिनाकल सेबल में है ओ ए ए सी ए यू और उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन एम यहां पे एच ओ ए सी एम टी डी में आप क्या कर सकते हो बिफोर वेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन अलाउ है वेरीफिकेशन के लिए देखिए ओ ए ए सी ए यू वी वी ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा फिनाकल टेन में एच ओ ए सी वी टी डी मॉडिफ़िकेशन्स आफ्टर वेरीफ़िकेशन्स मॉडिफ़िकेशन्स हो गया वेरीफिकेशन्स भी हो गया उसके बाद भी आपको मॉडिफ़ाई करना है मान लीजिए नोमिन के नाम आप गलत डाले हो या कुछ भी गलत डाले हो तो उसको आप कर सकते हो ए में जाके तो यहाँ पे है एच ए सी एम टी डी यहाँ पे सिर्फ ए सी एम में फिनाकल सेवन में फिनाकल टेन में एच ए सी एम टी डी सिर्फ एच आपको ऐड करना है हर एक मेनू में दो चार सिर्फ आपका डिफरेंस है बाकी कुछ नहीं अकाउंट ले जावायरी ए सी एल आई ए यहाँ पे है एच ए सी एल आई एन क्यू अकाउंट इंक्वायरी ए सी आई फिनाकल टेन में है एच ए सी आई आपको लीन आ, लगाना है अकाउंट में ए एल एम यहाँ पे है एच ए एल एम आपको डिपोजिट रिसिप्ट प्रिंट करना है तो डी आर पी यहाँ पे हो जाएगा एच डी आर पी डुप्लीकेट रिसिप्ट आपको प्रिंट करना पड़ेगा डी यू डी आर पी यहाँ पे भी फिनाकल टेन में कर सकते हो एच डीयू डी आर पी अकाउंट को फ्रीज करना है दैट इज द ए एफ एस एम यहाँ पे फिनाकल टेन में है एच ए एफ एस एम अकाउंट सिलेक्शन लिस्ट पूरा अकाउंट का लिस्ट आपको दिखेगा ए सी एस यहाँ पे एच ए सी एस अकाउंट बैलेंस डिटेल्स ए सी सी बी एल यहाँ पे है एच ए सी सी बी ए एल आई यहाँ पर भी आप बैलेंस डिटेल्स uh, देख सकते हो अकाउंट रिन्यूअल करना है अकाउंट को टी डी टर्म डिपोजिट को आपको रिन्यू करना है तो यहाँ पर मेनू है टी डी रेन और यहाँ पर फिनाकल टेन में एच टी डी आर एन रेमिटेंस ऑफ टी डी एस दट इज़ द आर एम टी डी एस और फिनाकल टेन में है एच आर एम टी डी एस नेक्स्ट आपका दो मेनू बाकी रह गया दैट अकाउंट इंटरेस्ट डिटेल्स इंक्वायरी ए आई टी आई एन क्यू यहां ए आई टी आई एन क्यू बैच अकाउंट क्लोजर टी डी बैच और यहां पे आपको देना पड़ेगा एच टी डी बैच मतलब एक अकाउंट क्लोज होने के बाद सेम कस्टमर का आप अगर दूसरा अकाउंट क्लोज करने जाओगे तो ये एच टी डी बैच आपको मानना पड़ेगा सो फ्रेंड्स होप यू अंडरस्टैंड द मेजर मेन्यूज ऑफ द टर्म डिपॉजिट होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक शेयर एंड कॉमेंट थैंक यू